हेलो हेलो, कैसे हो? मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह मम्मी ने दे दिया ब्रेकफास्ट, तो वही करके ब्रेकफास्ट में थी रोटी सब्जी और संतरे। तो वही करके मुझे कॉलेज जाना है, तो बाहर का थोड़ा ये अपडेट है। फिर मैं क्या करूँ, इतना बारिश हो रही है, सब भीग जाएगा, इसलिए मेरा गाड़ी करके आज मैं निकल पड़ी मेरी कॉलेज की ओर। जो अंकल मुझे छोड़ते हैं, जो लेके जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो अंकल मेरी बहन को छोड़ के आया, फिर बोला चलो मैं तुमको भी छोड़ देता हूँ। आफ्टरऑल पापा ने बोला था तो वो छोड़ने गए। और देखिए इतनी बारिश हो रही है, आप लोगों को कुछ दिख भी नहीं रहा होगा कान से, तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। आज ऐसा कुछ शेयर नहीं हो पाया आप लोगों के साथ, उसके लिए दिल से सॉरी आप लोगों को। ये मैं रेडी होके दिखा रही थी, कॉलेज का यूनिफॉर्म है, एक ही यूनिफॉर्म है, आप लोगों को क्या रोज़ रोज़ दिखाना। तो आज फाइनली लास्ट है, कॉलेज जाऊंगी तो फिर ख़त्म हो जाएगा, अभी और नहीं जाना होगा जब तक ना कॉलेज से फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है। तो अभी के लिए तो आज वाइवा एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम है। आपको दिख रहा होगा इतना यहाँ पर कितना जैम है, ये मैं कोरोना मुहिम में हूँ, मैं वही शूट कर रही हूँ। तो कॉलेज के जाने के बाद मैं कुछ और शूट नहीं कर पाई, और इतनी बारिश हो रही थी, निकल के भी कुछ नहीं शूट कर पाई, रैपिडो तो बुक कर ही नहीं पाई। फिर मैं घर आ गई, घर आके फ्रेश होके आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। तो आइए, आज तो ऐसा कुछ शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सोचा मुझे लग रहा था मैं ना रील्स बनाऊँगी, मुझे ऐसे लगा, मैं सोची कि मैं रील्स बनाऊँ, तो उसके लिए मैं कैसे थोड़ा मेकअप करूँ, तो मैं वो आपको आज शूट करके बताती हूँ। अच्छा, आज मैं थोड़ा हिंदी में बात कर रही हूँ, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है ना? मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप हिंदी में बात करने को लेके आप कैसे रिएक्ट करते हो, लाइक कमेंट शेयर करना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो। चलिए आज मेकअप वीडियो शूट करते हैं फॉर अ चेंज। आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन और मुझे उतना अच्छा से आता भी नहीं, बट ट्राई करने में क्या हर्ज है, चलिए करते हैं शुरुआत। तो आज मैं फॉर अ चेंज ट्राई कर रही हूँ हिंदी में आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए। मुझे बताइएगा अगर आपको मेरी हिंदी लैंग्वेज पसंद आती है तो। तो चलिए आज मैं शूट कर रही हूँ एक मेकअप वीडियो, एक्चुअली आई वांट फॉर अ रील। तो मुझे लगा कि मैं रील्स के लिए आज कैसे रेडी होती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करती हूँ। तो इसके बहाने आप लोगों के साथ एक मेकअप वीडियो भी शूट हो जाएगा। आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन और मुझे उतना अच्छा से मेकअप आता भी नहीं है गाइस। तो अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाए मेरे से तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। तो आइए लेट्स डू। पहले मैं अपना स्किन को थोड़ा प्रेप कर लूँगी, उससे पहले मैं एक वाइप लेके अच्छे से फेस को क्लीन कर लूँगी। लुक एट द पिंपल। आप लोगों का कौन सा स्किन है, नॉर्मल ऑयली? मेरा तो बहुत ऑयली स्किन है, तो मुझे अच्छे से वाइप कर लेती हूँ स्किन से। मेरी स्किन बहुत ऑयली है, इसके लिए मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मेकअप से पहले एकदम थोड़ा सा मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। क्योंकि इसके बाद जब मैं प्राइमर यूज करूंगी, वो प्राइमर भी थोड़ा ऑयल बेस्ड है, तो थोड़ा सा मैं यूज कर रही हूँ प्राइमर HD गाला। उससे पहले मैंने मॉइस्चराइजर यूज किया मॉर्निंग नेक्टर का बायोटिक, बहुत अच्छा है फॉर ऑल स्किन टाइप। प्राइमर यूज करूंगी जहां जहां मेरा पोर्स है वहां पे अच्छे से, टी जोन बेसिकली द प्राइमर इज गोइंग टू यूज फॉर द टी जोन। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, कोई भी भूल चूक हो जाए तो
क्षमा। सो देन आई एम यूजिंग अ कलर करेक्टर, आई कैन सी द कलर करेक्टर फ्रॉम इनसाइड। तो कलर करेक्टर करेक्शन में कर रही हूँ ऑरेंज कलर करेक्टर से। बहुत स्पॉट है पिंपल का, तो वहां वहां मैं थोड़ा सा कलर करेक्शन कर रही हूँ। आई वेंट फॉर अ वेरी लाइट मेकअप लुक, क्योंकि मुझे उतना हैवी पसंद नहीं है। अंटिन अनलेस कोई इन्विटेशन रहता है, और मैं आज का जो मेकअप लुक आपसे शेयर कर रही हूँ, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द पार्टी। नाउ इसको मैं अच्छे से ब्लेंड अप कर रही हूँ। I'm going to blend up all of this. अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करना है, गायब नहीं करना है, ओके। एंड इसके बाद हम लोग सीधे जाते हैं फाउंडेशन में। मैं यूज कर रही हूँ टू ऑफ दिस फाउंडेशन, वन इज फ्रॉम लैक्मी एंड वन इज फ्रॉम मेबलिन न्यूयॉर्क। ओके, ये ऑलमोस्ट खत्म है। तो मैं दो फाउंडेशन यूज कर रही हूँ मेरे स्किन के लिए। ऑलमोस्ट खत्म है। एक्चुअली ना माय मिरर इज बैक साइड ऑफ द स्टैंड, वहां मैं थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ। भूत लग रही हो ना। एंड बाकी का लैक्मी वन ऐसा हाथ में प्रोडक्ट होना। ये लैक्मी का बहुत लिक्विड है, पर ये लैक्मी का जो प्रोडक्ट है वो आप यूज कर सकते हो कभी भी कहीं भी। जो रेस्ट ऑफ द एरिया है लुक लग रही हूँ ना मैं भूत पूरा। अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। अब मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर फॉर द आईब्राउ। आईब्राउ को थोड़ा सा शेप देना है ना। ये मेरा जुगाड़ू प्रोसेस है, तो आप लोग चाहे तो ऐसे ट्राई कर सकते हो। इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। आई ब्लेंडेड द कंसीलर वेल। इसके बाद हाई
इसके बाद आई एम गोना डायरेक्ट यूज द ब्लश। तो यहाँ पे मैंने एक पैलेट ले आई है, लिप पैलेट ऑल्सो अ लिप कॉम्बो। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा पीछे पिंक, नोज के ऊपर ब्लश देना इज मैंडेटरी राइट। सो इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। नाउ वी आर गोना फिक्स दिस मेकअप विद द बनाना पाउडर। ये भी इनसाइड का है। Now I bake the under eye and my face. Contour बाकी है, contour करना है। अभी ऐसे ही रहने देते हैं और nose and cheeks contour कर लेते हैं, ये वाले थोड़ा सा एंड चिक्स पे कॉन्टोर करते हैं। अच्छे से ब्लेंड कर लिया है जॉ लाइन एंड द नोज कॉन्टोर, आप देख सकते हो। अब डस्ट ऑफ करूंगी। अब बहुत ही एक लाइट आई मेकअप करूंगी, बहुत ही लाइट आई मेकअप। जस्ट गॉना यूज दिस पैलेट। इस पैलेट में से मैं एक एकदम न्यूड शेड लेके पहले अपना ऑल ओवर द आईज लगाऊंगी। पूरा आईज को पहले फिर इसके बाद थोड़ा सा ट्रांजिशन कलर लूंगी। थोड़ा सा ब्राउनिश कलर लेके शेड हल्का सा मैंने लाइनर लगा लिया है। अब मैं क्या करूंगी, अंडर आईज को थोड़ा सा डार्क कलर से अंडर आईज को हाईलाइट करूंगी। इससे ना जिसकी आईज छोटी है ना बड़ी दिखती है। काजल नहीं लगाऊंगी कोई भी। अब इट्स टाइम फॉर द लिप कॉम्बो। मैं क्या यूज कर रही हूँ लिप कॉम्बो में वो आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने आपको कहा है कि मैं बहुत ही लाइट मेकअप रखने वाली हूँ, तो मैं लिप कॉम्बो में क्या यूज कर रही हूँ, ये पैलेट यूज कर रही हूँ एब्सोल्यूट ऑल अबाउट लिप्स स्विस ब्यूटी का। मैं एक गाला का लाइनर यूज कर रही हूँ और मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड का एक ग्लॉस, लिप ग्लॉस। थोड़ा ग्लॉसी टाइप का लिप्स बनाने वाली हूँ, तो देखते हैं क्या करती हूँ मैं। तो पहले जस्ट just...
इससे लाइटर शेड लेके look at my lips and I show you the final result. Lips. And now it's time for eyes. My favorite part of the makeup. And now I'm using Mars Double Trouble. Look at the volume of the eyes. So, चलिए और एक चीज देना है, वो है हाइलाइटर. सो इट्स टाइम फॉर द टच ऑफ द हाइलाइटर. Here is my final look. I am ready. Wait. Here is my final look. The messy hair. तो मैं फटाफट मेकअप रिमूव करके आ गई यहाँ पे डिनर करने. मेरी डिनर पे है राइस, फिश ऑयल, बॉइल्ड एग और फिश फ्राई, इल्शा फिश फ्राई, और है आलू चोखा यानी स्मैश्ड पोटैटो. तो मैं जल्दी जल्दी डिनर कर लूँ, आज लंच नहीं की हूँ मैं. तो यहाँ तक आज का व्लॉग यहाँ तक. कुछ अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. टिल देन टेक केयर एंड बाय.